बहुत बहुत अच्छी लगी. सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा? सबकी केमिस्ट्री चारों की, द वे दे वर्क्ड विद देयर रोल्स वाज अमेजिंग. उनके कैरेक्टर सबके बहुत अच्छे थे. तो कॉन्सेप्ट वाइज दे मेड इट वेरी कम्फर्टेबल टू वॉच. लाइक IVF इज नॉट समथिंग दैट ऑल ऑफ द यंग जनरेशन इज कम्फर्टेबल टॉकिंग अबाउट, बट इट वॉज रियली गुड. Of course, it's amazing. All of them are great. Who all are best in the film? No, I can't say that because sabka role different tha and all of them did good. Are you recommending? Yeah, 5 out of 5, of course. Or any song you would like? All of them are good. Thank you. Good news, बहुत good news देगी आपको. So please watch it. Like amazing है. कॉन्सेप्ट वाइज इट्स रियली नाइस बिकॉज इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें है इनविट्रो फर्टिलिटी दैट इज़ IVF एंड अडॉप्शंस के बारे में बात की है. ये दो कॉन्सेप्ट्स मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है. IVF यहाँ पे नया इंडिया में नया है तो ये भी अडॉप्ट करना चाहिए बहुत लोगों ने, क्योंकि मेनली तो इंडिया में कैसा है कि पॉपुलेशन आउटबर्स्ट है, इसीलिए अडॉप्शन भी लेना चाहिए. तो मतलब मूवी ने दोनों कॉन्सेप्ट्स को इक्वली बैलेंस किया है, तो विच इज़ रियली नाइस. ऑडियंस को कितनी पसंद आएगी, कितना कनेक्ट करेगी ऑडियंस को? आई थिंक 85% श्योरली कनेक्ट करेगी बिकॉज जिस वे में दिखाया वो फनी वे में और इन्फॉर्मेटिव दिखा सकते थे, बट ऑल्दो इट वॉज वेरी फनी एंड वेरी नाइस. सो यू वुड लाइक ऑडियंस वुड डेफिनेटली लव इट. या परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था. आई लव दिलजीत दोसांग एंड कियारा आडवाणी का, दोनों का कॉम्बो फर्स्ट टाइम टुगेदर एंड देन इट्स लाइक समथिंग रियली न्यू. बहुत अच्छा था. अक्षय करीना इज लाइक कम्प्लीट थ्रो बैक, सो वो भी बहुत अच्छा था. बट कियारा आडवाणी का लेबर पेन. चंडीगढ़ में 4.5. ओके. सर कैसी लगी आपको फिल्म? मुझे बहुत अच्छी लगी. बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही इन्जॉयबल मूवी है. और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ऊपर पहली बार एक मूवी बनी है, तो बहुत ही बोल्ड थीम है और आई फील इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव मूवी. सो ईयर का एंड होने वाला है, इसके लिए बेस्ट फिल्म लगती है? ईयर का एंड होने वाला है और आई थिंक इससे ज़्यादा बड़ी भेंट न्यू ईयर की हो नहीं सकती गुड न्यूज़ के साथ, क्योंकि दबंग 3 ऑलरेडी रिलीज हो गई और लोगों को अच्छी लगी. वो भी एक्शन थ्रिलर है, ये कॉमेडी मूवी है, तो पीपल लाइट हार्टेड कॉमेडी है, सो पीपल वॉन्ट टू गो एंड रिलीज द स्ट्रेस. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ वेरी गुड मूवी. अक्षय कुमार और करीना कपूर को इससे पहले हमने ऐतराज़ में देखा था, फिर अजनबी में देखा और फिर 10 साल पहले कमबख्त इश्क में देखा. तो 10 साल के बाद ये जोड़ी एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर आई और हंसा हंसा के पागल कर दिया हमें. कॉन्सेप्ट जी बहुत ही बोल्ड थीम है, जैसे मैंने कहा बहुत ही प्रोग्रेसिव है. चाइल्डलेस कपल्स विदाउट बीइंग जजमेंटल, विदाउट हैविंग एनी प्री कंसीव नोशंस, दे कैन गो एंड वॉच दिस मूवी. और बच्चा चाहे आप अडॉप्ट करें या किसी भी रूप में टेस्ट ट्यूब बेबी हो या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से आए आपकी ज़िंदगी में, तो उसको बिल्कुल विदाउट बीइंग जजमेंटल पे आ दीजिए. पहला ये सोशल मैसेज है. और दूसरा ये है कि यू नो यू शुड नॉट हैव एनी प्री कंसीव नोशंस कि इस तरह नहीं होना. बेबी किसी भी तरह आपकी लाइफ में आए तो आप अपना यू नो विदाउट बीइंग जजमेंटल. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. और एक्टिंग में दिलजीत दोसांझ और कायरा आडवाणी का बहुत अच्छा रोल है. एक तरफ बहुत ही रिलेटेबल और रियलिस्टिक कैरेक्टर हैं और दूसरी तरफ ग्लैमर और क्लास अक्षय कुमार और करीना कपूर. सो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन एंड आई फील सिनेमाटोग्राफी इज़ वेरी गुड, डायरेक्शन इज़ वेरी गुड and editing is crisp by Manish More. So I think it's a very good package and vacation period chal raha hai, so please go and watch the movie. Lekin comedy ka lagta hai aapko ye naya genre hai aur logo ko matlab kahin na kahin naya genre hai, wahi ek serious theme hai lekin usko comedy mein dikhaya gaya hai. So ye qabil e tareef hai ki kahin bhi aap bahut sensitively portray kiya hai, kahin bhi aapko ye nahi lagega ki kya dikhaya ja raha hai. Bahut sari cheesy one liners bhi hain, जैसे तुम्हारी क्वालिटी की आइसक्रीम तो दूर की बात है मैं बच्चा, मतलब तुम्हारी क्वालिटी की आइसक्रीम तो दूर की बात है मैं बच्चा भी ना करूँ, इस तरह के वन लाइनर्स हैं. बहुत ही चीज़ी, सो सीरियस सब्जेक्ट है लेकिन उसको एक फन वे में लिया गया है. सो बहुत अच्छा. ऑल द सॉन्ग्स आर वेरी गुड. एक चंडीगढ़ में लास्ट सॉन्ग जुम्बा, ऑल द सॉन्ग्स कंपोज बाय तनिष बागची एंड कपल ऑफ अदर यू नो, ऑल द सॉन्ग्स आर वेरी गुड. म्यूजिक इज अ प्लस पॉइंट. ऑल फूड टाइपिंग नंबर्स यू फील लाइक डांसिंग ऑन ईच एंड एवरी नंबर. आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम गिविंग 4.5. I think I'm really entertained second half, especially it's so entertaining. बहुत मज़ा आएगा आपको. थैंक यू सो मच. कैसी लगी आपको फिल्म?
कौन सी? गुड न्यूज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और अच्छा काम किया। अच्छा, एक्टर्स को आप कितना रेट करेंगे? अक्षय कुमार के सामने कियारा आडवाणी, हाँ, अक्षय कुमार जी इतने साल से कॉमेडी कर रहे हैं, कियारा आडवाणी अभी अभी आई हैं, उनके कॉमेडी टाइमिंग को क्या कहना चाहिए? नहीं, कियारा ने जो अपना काम किया है वो पसंद करेगी दुनिया, पब्लिक। बहुत अच्छा काम किया कियारा ने और स्वीट लगी है, अच्छी लगी। और करीना कपूर जी के सामने आपको क्या कहना है दिलजीत को लेकर? देखो, जो चार कैरेक्टर इस फिल्म में हैं जिनके ऊपर फिल्म रची गई है, चारों ने अपना काम बढ़िया किया है। अच्छा, आप वो जो फैमिली स्ट्राइक्स दिखाए गए हैं, जैसे एक हाई क्लास पीपल जो रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं, दूसरा एक सोसाइटी, दूसरे लोग ऐसे दिखाए जाएंगे जो जिंदगी के हर पल को जीते हैं, तो इन दोनों में आप अपने आप को किससे रिलेट करोगे? देखो, मेरे हिसाब से अगर जो मैं अपनी लाइफ को जीना चाहूँगा तो मैं मेरी लाइफ को खुल के जीना चाहूँगा। जो हाई सोसाइटी के लोग हैं वो दिखावे के अंदर ज़्यादा दौड़ते हैं, वो खुल के लाइफ नहीं जी पाते, और जो एक जो मीडियम फैमिली है वो खुल के अपनी लाइफ जीती है। वो बोलते हैं ना कि कल होना हो तो आज जी लो, मुझे वो लाइफ पसंद है। पंचिंग और कॉमेडी लाइंस के बारे में वो अच्छा है, पंचिंग वगैरह कॉमेडी बहुत अच्छी है, और जो पिक्चर में जो इमोशनल पार्ट है वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्या देखने मिलेगा आपको, यानी 60-40 में अगर रेट करना होगा तो इमोशनल पार्ट ज़्यादा या कॉमेडी सेक्शन? कॉमेडी ज़्यादा। अच्छा, कॉमेडी किस लेवल की कॉमेडी है, जैसे कि आज के लैंग्वेजेस कैसे वल्गर्स हैं? नहीं, देखो, जो वल्गर नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हाई सोसाइटी की तरीके से इंग्लिश में बोला गया, जो लो कैटेगरी के लोग हैं वो समझेंगे अलग कॉमेडी, लेकिन वो है उच्च दर्जे की, लेकिन वो उनकी समझ से बाहर जाएगी। अच्छा, गाने कितने हैं पिक्चर में? गाने आई थिंक 3-4 हैं गाने, और तीनों चार गाने बराबर जगह पर हैं, प्लेसमेंट सही है उनकी? प्लेसमेंट सही लगे? नहीं, प्लेसमेंट सही है, और एक गाना तो ऐसा है जो मतलब आप बचपन से आप भी सुनते आ रहे हैं, दिल देना सुखवीर का जो आया था, तो वो एक ऐसा गाना है आप अगर जो उसको और 10 साल बाद भी कहीं बजाओगे किसी शादी में तो पब्लिक नाचेगी उस पर। तो कंसेप्ट को लेकर आपको क्या कहना है, ये जिस कंसेप्ट पर फिल्म? कंसेप्ट डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, और डिफरेंट चीज़ें ही चलेंगी। ये अल्टीमेटली ये सेक्स एजुकेशन दिया गया है, तो उस पर आपका क्या कहना है कि ये फिल्म इंडस्ट्री को इसकी ज़रूरत थी या फिर ये अननेसेसरीली ये फिल्म बनाने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फिल्म इंडस्ट्री को आई थिंक ज़रूरत तो नहीं है ऐसा कुछ के लिए भाई इसकी कोई ज़रूरत है, लेकिन हाँ, एक ऐसा है कि एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, डिफरेंट टॉपिक है, तो पब्लिक एक नई चीज़ देखना पसंद करेगी, वो किस तरीके से क्या दिखाया, और एक बीमारी जो है उसकी समस्या का समाधान भी इसमें बताया गया। कि तो आपका ये कहना है कि अगर टेक्नोलॉजी है तो उसे यूज़ करें तो वो कोई गलत बात नहीं है? टेक्नोलॉजी देखो, अगर जो आप, मैं तो इस मामले में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि बहुत ऐसे अनाथ आश्रम हैं जहाँ बहुत से बच्चे हैं, तो क्यों ना उनको अडोप्ट किया जाए, उनको भी घर मिल जाएगा। इन टेक्नोलॉजी की तरफ पीछे भागने से तो बेटर है उनको घर दिया जाना चाहिए। अच्छा, मूवी में चार लीड एक्टर्स के अलावा और कौन कौन से एक्टर्स आपको नजर आए? कई हैं, आदिल जो डॉक्टर है, आदिल हैं शायद, आदिल शाह, उन्होंने भी अच्छा काम किया अपना। अच्छा, तो चारों एक्टर्स को इक्वली रोल दिया गया है या फिर ऐसा दिखाया है कि अक्षय कुमार और करीना? नहीं, ऐसा नहीं, जिसका देखो जितना कैरेक्टर था उसको उतना ही यूज़ किया गया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं इस चारों को स्टार्टिंग से उठा के चल पड़ेंगे, जैसे जैसे पिक्चर आगे बढ़ेगी तो कैरेक्टरों की एंट्री भी तो होती है, तो उसी तरीके से। फिल्म की कॉमेडी को आप कितना स्टार देंगे? कॉमेडी आई थिंक 5 में से 4 जाएगा। फिल्म के कंसेप्ट को? कंसेप्ट भी अच्छा है। फिल्म के एक्टर्स को आप कितना स्टार देंगे? एक्ट्रेस ने अच्छा काम किया है, सभी ने अच्छा काम किया। ओवरऑल फिल्म को आप कितना स्टार देंगे? फिल्म 4। ओह, आई लव द मूवी एंड अक्षय वाज सुपर्ब, इवन दलजीत, आई लव देम एंड इट वाज अ ग्रेट मूवी। इट वाज कॉमेडी टाइमिंग के बारे में, आई मीन अक्षय सर है तो देयर इज नथिंग टू लुक अहेड देन दैट, एंड दैट केमिस्ट्री समथिंग, आई लव इट। What about the plotting of like, you know, a rich family, a person from a high society and then second one from a lower middle class family background? No, there's nothing as such. There's nothing as such, but it's really great. Okay, yeah. What about that concept, that IVF concept? It was, they have made it so good. I mean, it is, it might be real. I don't know what is it about, but it's something, it's a really nice, good, I mean, good movie to watch. You'll, you know, आप हंस के गिर जाओगे एंड इक्वली इमोशनल भी है। सो अच्छा, तो कितना 60-40 में रेट करना होगा तो कितना परसेंट इमोशन है, कितना परसेंट कॉमेडी है? 30% इमोशनल है, 70% बहुत कॉमेडी है। मूवी में गाने कितने हैं? 4
चारों गाने सेट हैं प्लॉट वाइज? हाँ प्लॉट वाइज सही है। ठीक है, मूवी के गानों को आप कितनी रेट करेंगे? पंजाबी सॉन्ग्स है यार सारे, रीमिक्स है ज़्यादा, तो एक ही एक ओरिजिनल है शायद, सो दैट इज़ व्हाट आई लव्ड अबाउट। एंड मूवी के प्लॉटिंग स्टोरी को क्या रेट करेंगे आप 1 to 5 में? 4.5, 5, आई मीन आई वुड गो फॉर 5। ओके, व्हाट अबाउट द एक्टर्स? एक्टर्स चार जो लीड एक्टर्स के अलावा और कौन कौन से एक्टर्स नजर आते हैं मूवी में? डॉक्टर आई डोंट नो व्हाट इज हिज नेम दो, बट इट्स अ ग्रेट। और भी एक्टर्स हैं मतलब? हाँ हाँ जी हाँ जी, स्मॉल कैमियोज, या Not cameos, I should say, yeah, but there are good, small supporting overall actors. Overall movie ko aap kitna star rahe? 10. 10? Yeah, yeah. Thank you. Okay, good news kaisi lagi aapko? Good news mujhe achhi hai. Kya sabse zyada pasand aaya concept wise? Story wise, comedy wise, emotional wise, tino ye bahut acha kiya hai aur Akshay Kumar ki acting bhi achhi hai. Aur jo dusre actors hai unki performance kaisi lagi aapko? Diljit ne bhi acha acting kiya aur Kareena Kapoor ka bhi acting was good. So audience ko या पसंद आएगी क्योंकि कॉमेडी वाइज पंच लाइन्स वन लाइनर्स एंड इमोशनल भी करती है। और गाने कौन से पसंद हैं? गाने इतने बोलते ना आके इतने गुनगुनाने वाले नहीं, एक दो गाने कट भी होते तो भी कुछ नहीं, ग्रिपिंग अच्छा रहता मूवी का स्क्रीन प्ले। 4.5 स्टोरी वॉज फैंटास्टिक। आई थिंक आज मॉर्निंग में उठते ही इतना जॉयफुल हो गया, आई एम वेरी चीयरफुल आफ्टर वॉचिंग द मूवी। स्टोरी लाइन वॉज गुड, आई थिंक द एक्साइटमेंट लेवल रिमेन थ्रू आउट द मूवी एंड द ह्यूमर वॉज फैंटास्टिक। द कंसेप्ट ऑफ द मूवी इज न्यू, आई थिंक वी पीपल शुड हैव समथिंग टू लर्न फ्रॉम योर एंड द यू नो द इमोशनल कनेक्ट वॉज अमेजिंग। The star cast was already so good. I think I am nobody to comment on their performance. It was great. What about the Jodi's chemistry? Both of them were fantastic. But I think the couple who played a typical Punjabi role as a couple, that is Diljit and Kiara, they had a lot more funny things, which helped you know. What about which songs? Songs, the original song that is Chandigarh mein, that is my favorite, amongst my favorite now. Out of 5, I would rate 4 because of its humor, its excitement level and emotional touch also. Thank you. Thank you.
most of the songs have been composed by Tanishq Baghchi, uske sath other composers nahi hai, lekin music bahut acha hai, performances bahut achhe hain, editing by Manish More, script, cinematography by Vijay.